बरेली में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए शहर में महान नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वार श्री गुरु नानक सत्संग सभा कौड़ा पीर से कुतुबखाना पंजाबी मार्केट सिविल लाइन होते हुए गुरुद्वार चौकी चौराहे पर संपन्न हुआ। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में संगत ने भंडारा ग्रहण किया। बताते चले कि हल्की बूंदाबांदी के दौरान भी संगत पूरे नगर कीर्तन में प्रभु के सिमरन के साथ जुड़ी रही। नगर कीर्तन में फूलों से सजे हुए वाहन पर गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित किया गया। दर्जनों युवक व युवतियां पालकी साहिब के आगे झाड़ू से सफाई एवं पुष्प वर्षा करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन में बूंदाबांदी के दौरान भी स्कूलों के बच्चे नगर कीर्तन की शोभा बढ़ा रहे थे। मैं कुलदीप सिंह पन्नू, सेंट्रल गुरु कमेटी प्रधान, नगर कीर्तन गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव में उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है, जो सुबह 12 बजे गुरुद्वारे गुरुद्वारा शुरू हुआ है और शाम को 4:30 बजे चौकी चौराहे गुरुद्वारा समाप्त होगा। ये पूरे बरेली शहर की भरपूर संगतें दूर दूर से बैंड बाजे अपने संगीत कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं। चरती चरती कला में नगर कीर्तन मनाया जा रहा है। नानमता साहब से बैंड आया हुआ है, बच्चे आए हुए नगर नानमता साहब से, रुद्रपुर से आया हुआ है अपने मास्टर जाकि जनते बाहर से आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाड़ियाँ बाहर दूर दूर से आए हुए लगी हुई सब लगी हुई है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह की हल्की हल्की वर्षा हो रही है, बहुत चर्दी कला में नगर कीर्तन निकल रहा है, भरपूर संगत है, गुरु महाराज की भरपूर कृपा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या उद्देश्य है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले बरेली की सारी समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत को गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के पावन प्रकाश दिहाड़ा जो कि 9 तारीख को आ रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। तो उसी उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा कुहाड़ा पीर से लेकर चौकी चौराहा तक निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों में आपसी प्यार इत्तेफाक हो। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक, जो गुरु नानक देव जी ही उनकी जोत थी, उन्होंने यही संदेश दिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कि परमात्मा भगवान वाहिगुरु गॉड अल्लाह जो भी कहो, उसके नेका नाम है हो सकते हैं, परमात्मा एक ही है। वो आप पर तभी कृपा करेगा, तभी खुश होगा जब आप सब मनुष्य जाति से प्रेम करोगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।